नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो इस वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया ही होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज मैं हूँ बहुत खुश और मुझे मिल गया है YouTube की तरफ से मेरा पहला पेमेंट। तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे जो अक्सर फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो आप देखते हो, जहाँ पे एक पासबुक दिखाया जाता है और फिर उसको ATM में जाके पैसा निकाला जाता है, या पासबुक का अपडेट करके आपको वहां पे वीडियो पे दिखाया जाता है, फिर फैमिली मेंबर को जाके वो पैसा हाथ में दिया जाता है और फिर कहा जाता है वीडियो में कुछ ब्लॉग तरह का वीडियो होता है। तो उसमें कहा जाता है कि जब मैं पहला यूट्यूब चैनल ओपन किया था तो किसी को विश्वास नहीं था या किसी को भरोसा नहीं था कि कोई वीडियो बना के भी यूट्यूब से पैसा कमाएगा। तो ऐसा मेरा वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाला है, थोड़ा अलग सा करेंगे वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं उसका मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ या उसका तरीका गलत है। हर एक का अलग अलग नजरिया होता है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। तो उन लोगों का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन लोगों का वीडियो देख के ही मैं आज यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब में एक चैनल है और ये सारे वीडियो मैं हमेशा देखता रहता हूँ अलग अलग यूट्यूबर का। तो उनका तरीका बहुत ही अलग है, पर मैं इस वीडियो में थोड़ा अलग करने वाला हूँ। तो मेरा चैनल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो इस वीडियो में टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपसे हम कुछ बात करेंगे और कुछ अलग करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले ही मैं जैसे आपसे कह चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, जिस मोटिव में मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मेरा यूट्यूब की तरफ से जो फर्स्ट पेमेंट आया है उसका थोड़ा बहुत डिटेल्स देख लेते हैं पहले। तो मुझे जो पेमेंट रिलीज होने के बाद जो एडसेंस की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से जो मेल आया है और वहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन कौन सा डिटेल्स वहाँ पे मुझे मिला है, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो देखिए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर और आपको दिखाता हूँ मुझे जीमेल की तरफ से क्या मेल आया है गूगल एडसेंस की तरफ से, जब मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल एडसेंस की तरफ से जो मुझे मेल आया है, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट। तो गूगल एडसेंस की तरफ से चेक योर रिसेंट पेमेंट यहाँ पे मेल पे लिखा हुआ है, आप साफ यहाँ पे देख सकते हो, वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर एडसेंस अकाउंट का नंबर अर्निंग ऑन नवंबर 21, 2021। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस मेल, Please contact your bank for more details. To check your recent payments, sign in to your AdSense account. On the sidebar, select payment option. तो Google की तरफ से या Google AdSense की तरफ से मुझे मेरा YouTube का earning जो payment है वो release हो चुका है 21 November 2021 को। और यहाँ पे Google AdSense की तरफ से ये भी बताया गया है, अगर 5 business days के अंदर, मतलब 5 working days के अंदर ये आपके अकाउंट में अगर रिसीव ना हो तो आपको बैंक में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर अपना बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स सारा सही से ही डालते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर फिर भी क्या होता है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पे आपको देना पड़ता है स्विफ्ट कोड। तो कभी कभी आपका पेमेंट तो बैंक तक तो पहुँच जाता है पर स्विफ्ट कोड की वजह से बैंक में ये होल्ड करके रखा जाता है, आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आप अगर 5 business days या 5 working days के अंदर आपका पेमेंट रिसीव नहीं कर पाते हो तो आप जाके अपने जो बैंक डिटेल्स दिया है उस बैंक के ब्रांच में जाके कांटेक्ट कीजिए ब्रांच मैनेजर से। तो उनसे आप बताइए कि आप एक यूट्यूबर हो और आपका ये पेमेंट रिलीज़ हुआ है जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है, तो वो आपका सारा कुछ वेरीफाई करके आपके अकाउंट पे ये पेमेंट रिलीज़ कर देगा।
तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, नहीं तो ये स्मूथली ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपके अकाउंट में पेमेंट रिलीज हो जाता है। तो जैसे मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ है और विद इन 5 डेज मेरा पेमेंट आ चुका है मेरे अकाउंट में, तो अभी मैं आपको अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट खोल के और कुछ डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट और बाएं तरफ पेमेंट इन्फो ऑप्शन में मैं क्लिक करके चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी मेंशन किया गया है योर लास्ट पेमेंट वॉज इशूड ऑन नवम्बर 21st, जिसका अमाउंट है $114.07। तो इसका ब्रेकअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप व्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट का सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हुआ है सितंबर के 1st वीक में। तो सितंबर 1st से 30 तक मेरा टोटल अर्निंग हुआ था $51.53। तो जो $100 का कम था इसलिए उस महीने पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ। और अक्टूबर में 1st अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक YouTube से टोटल अर्निंग हुआ था $62.72। तो अभी कुल मिला के ये $100 क्रॉस कर गया था, 114.25। तो इसलिए पेमेंट रिलीज़ हुआ है। और इसमें से आप देखोगे यहाँ पे US चैप्टर 3 की तरफ से टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे डिडक्शन हुआ है $0.18। तो 114.25 में से $0.18 टैक्स डिडक्शन हुआ है US टैक्स की वजह से। और फाइनल मेरा जो ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफ़र की वजह से फॉरेक्स मनी एक्सचेंज हुआ है $114.07। तो ये $114.07 21 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुआ है, इशू हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में और मुझे मिल गया है विद इन 5 डेज 26 तारीख को। तो इसका पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ पे गूगल एडसेंस पे अपने देख सकते हो। तो दोस्तों आपने ये छोटा वीडियो क्लिप में देखा कि YouTube की तरफ से जो पेमेंट रिलीज हुआ है, तो Google AdSense की तरफ से पेमेंट रिलीज के टाइम मुझे कौन सा मिल आया है और Google AdSense अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन कौन सा डिटेल्स आपको मिलता है, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा YouTube चैनल का ये छोटा सा जर्नी के बारे में। तो मैं पहले YouTube देखता था एज ए व्यूअर जैसे आप देखते हो, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरा भी एक खुद का यूट्यूब चैनल होगा। पर लॉकडाउन के टाइम धीरे धीरे रेगुलर यूट्यूब चैनल देखते देखते मुझे भी एक टाइम ऐसा लगा था कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैं वहां पे एक टॉपिक ढूंढना चाहता था कि कौन से टॉपिक में मैं अगर वीडियो बनाऊं, वो कौन सा चीज मुझ में है जिसके बारे में मैं अगर वीडियो बनाता हूँ, एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, तो उसको मैं लॉन्ग टर्म में लर्न कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप कोई भी इंस्टेंट टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक सोच के अगर यूट्यूब चैनल खोलते हो तो कभी आप लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया तभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये 12 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर मेरा होगा या 4000 घंटा वॉच टाइम होगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस टाइम के अंदर मेरा चैनल मोनिटाइज होगा भी नहीं। पर मैं मेहनत करता गया, वीडियो बनाता गया आपके लिए और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। कभी मैं मोटिवेट हो जाता था आपके कमेंट से और आपके सब्सक्राइब करने से या आपके प्यार से, और कभी कभी डीमोटिवेट लगता था। तो वहां पे मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे हर वक्त मोटिव करते थे, हर वक्त सपोर्ट करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा कुछ 8 महीने तक और सितंबर महीने के 1st वीक में मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया और 4000 घंटा वॉच टाइम उसके पहले ही कंप्लीट हो चुका था और मेरा चैनल हो गया है मोनिटाइज। और सितंबर से मेरे चैनल में थोड़ा थोड़ा करके अर्निंग स्टार्ट हो गया था। तो सितंबर महीने के एंड तक, जैसे आपको पता है गूगल एडसेंस में $100 नहीं होने से आपका पेमेंट रिलीज नहीं होता है, तो सितंबर में मेरा $100 नहीं हुआ था इसलिए पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। अक्टूबर महीने के एंड तक मुझे दोनों महीने सितंबर और अक्टूबर मिला के $100 कंप्लीट हो गया था। तो उसी वजह से एंड ऑफ नवंबर जो यूट्यूब का पेमेंट रिलीज टाइम होता है हर महीने के 21 से 26 तारीख के बीच में, तो आपने पहला वाला वीडियो क्लिप में देखा होगा कि 21 तारीख को मेरा पेमेंट रिलीज हो गया है और विद इन 5 बिजनेस डेज या 5 वर्किंग डेज वो पेमेंट मुझे मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो अभी जस्ट परसों की बात है 26 नवंबर को
मैं जब ऑफिस में लंच के बाद बैठा था तो उसी वक्त मुझे बैंक की तरफ से जो SMS अलर्ट आता है वहां पे मुझे दिखाई दिया कि मेरा पेमेंट रिलीज हो चुका है और मेरे अकाउंट पे घुस चुका है। तो मैंने, हाँ मैं मतलब यूट्यूब चैनल चलाने के साथ साथ एक जगह काम भी करता हूँ और अपने शौक की वजह से उसके पैरेलल यूट्यूब चैनल करता हूँ और यूट्यूब में रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले साल क्या हुआ था, लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो देता था। अभी आप देखोगे मेरे चैनल में वीडियो देने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत कम हो गया है, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ सिखाने के लिए आपके लिए वीडियो रिलीज कर सकूँ। तो ये आप लोगों का ही प्यार है और मेरे फैमिली का सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हुआ और आज पेमेंट आ चुका है। तो अभी मैं जब ऑफिस में बैठा था लंच के बाद तो मेरा SMS अलर्ट आया है बैंक की तरफ से कि पेमेंट रिलीज हो चुका है और मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि बहुत दिन से ही इसका इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने ये बात पहले शेयर की मेरे कॉलिग्स को, तो वो जानना चाहे कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि एज ए व्यूअर्स पता नहीं चलता है कि एज ए क्रिएटर कौन कौन सा चीज़ होता है इन डिटेल्स। तो उनको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज दिया और प्रोसेस बताया। उसके बाद मैंने अपने मम्मी को व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट देके ये बात शेयर किया क्योंकि उनको भी बहुत दिन से ही इसका इंतज़ार था। मतलब मैं कह सकता हूँ मम्मी को मेरे से ज्यादा ही इसका इंतजार था कि कब पेमेंट रिलीज होगा, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब का एक रेगुलर व्यूअर है। मेरे हर वीडियो मेरे मम्मी वॉच करती है और वहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट डालती है और मुझे मतलब पॉजिटिव फीडबैक या क्रिटिसाइज भी करती है, जो कि हर यूट्यूबर के लिए या हर क्रिएटर के लिए ज़रूरत होता है। तो फिर मैं शाम को ऑफिस से घर लौटा और फिर पूरे फैमिली मेंबर को ये चीज़ बताया। तो मैंने जैसे कहा पेमेंट का जो डिटेल्स, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे वो चीज़ शेयर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मुझे पेमेंट मिला है। तो वो सारा डिटेल्स आप इस वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट आप चेक कर सकते हो सारा डिटेल्स। और यहाँ पे जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर हुआ है मनी, तो उसकी वजह से बैंक में से कुछ फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस भी कटा गया है, उसका SMS भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मुझे 2 महीने का पेमेंट मिला है तो उसकी वजह से 50 रुपीज़ और 1 महीने में 45 रुपीज़ ऐसा डिडक्ट हुआ है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट में देखोगे पूरा $114 का, जो आज का डॉलर का रेट है 73 रुपीज़ या 74 रुपीज़ करके, वो पूरा पेमेंट रिलीज हुआ है मेरे अकाउंट में। तो अभी इस वीडियो में ये खुशी का मौका या ये खुशी की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप ही जो व्यूअर्स हो, आप ही मेरे जो फैन फॉलोअर्स हो, उसके लिए ये आज मेरा यूट्यूब चैनल इस मुकाम में पहुंच गया है। आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से और इतने सब्सक्राइबर की वजह से, आपके व्यूज की वजह से ही आज इस मुकाम में मेरा YouTube चैनल पहुंच गया है और यहां से मेरा एड रेवेन्यू से इनकम स्टार्ट हो गया है। तो मैं ये वीडियो मतलब कभी बनाऊंगा नहीं, मतलब कभी नहीं बनाऊंगा ऐसा तो नहीं सोचा था, पर इतना जल्दी मैं बनाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। तो आप सभी के प्यार की वजह से आज ये वीडियो मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को भी आप मेरे बाकी वीडियो के जैसा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को रेगुलर सपोर्ट करता रहिएगा। आपका अच्छा अच्छा कमेंट करके जैसे मुझे अच्छा लगता है, आप अगर पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हो तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाथ हिलाता हूँ वीडियो करने के वक्त, तो वो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कंट्रोल करने का, पर ये क्या होता है, मैं कुछ भी चीज़ अगर आपको समझाने जाता हूँ तो वो नेचुरली ये आ जाता है। तो फिर भी वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक यूट्यूबर का एज ए क्रिएटर जर्नी मतलब इतना सीधा नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो रिलीज करने के पीछे, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद टॉपिक्स ढूंढना पड़ता है, खुद यहाँ पे शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, अच्छा टैगलाइन, अच्छा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसको बूस्ट करना पड़ता है, अदर प्लेटफॉर्म में उसको शेयर करना पड़ता है। तो बहुत काम रहता है एक वीडियो के पीछे। उसके बाद जब आपका अच्छा अच्छा कमेंट, सपोर्ट या लाइक आता है तभी लगता है कि आपको मैं कुछ सिखा पाया। जैसे इस वीडियो से भी आप अगर मतलब आप में से अगर एक भी कोई इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट होते हो या कुछ भी सीख पाते हो
तो वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज इस खुशी का मौका मैं आपके साथ शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी जरूर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पर भी लिंक का स्क्रॉल चल रहा है, आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यहां से अगर आप कोई भी जानकारी अपने लिए हासिल कर पाए हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।